हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम टेक्नोबस.net। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास दो फ़ोन हैं और दोनों फ़ोन के अंदर जो है हम गूगल पिक्सल 4 का जो गूगल कैमरा 7 है उसको यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी सारी UI के अंदर चेंजेस किए गए हैं और काफ़ी सारे नए फीचर्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब GCam 7.0 के काफ़ी सारे मॉडल वर्जन जो है सभी फ़ोन्स के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे और क्या क्या आपको नए फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारे पास दो फोन है, ये है Redmi Note 7 Pro और ये है Redmi Note 5 Pro। इन दोनों के अंदर जो है आपको Google कैमरा 7 रन करता हुआ दिख रहा है। दोनों में आपको जो है पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है और दोनों में ही पिक्चर्स जो है क्लिक होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। दोनों में ही आपको नाइट साइड मोड मिल जाता है, उसके अंदर भी जो है पिक्चर्स कैप्चर करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस टाइम पर मैं Redmi Note 5 Pro को साइड में रख देता हूँ ताकि सारे फीचर्स आपको बता पाऊँ। अब ये कैमरा जो है सभी फोन्स के लिए, मोस्टली सभी फोन्स पर काम कर रहा है, चाहे वो Redmi K20 Pro हो, Redmi Note 6 Pro हो, Redmi Note 5 Pro हो। काफ़ी सारे कैमरेज के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। हाँ, एक लिंक आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको काफ़ी सारे GCam 7.0 के लिंक मिलेंगे। आप उनमें से एक एक कर किसी को ट्राई कीजिए, कोई ना कोई कैमरा आपके फ़ोन में चल ही जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे UI के अंदर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो आपको ओल्ड कैमरा जो आपको देखने को मिलता था वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता था, जिसमें सारे के सारे ऑप्शन जो थे ऊपर होते थे शटर के और शटर बटन नीचे होता था। इस बार जो शटर बटन जो है वो ऊपर आ चुका है और सारे के सारे ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलते हैं। और पुराने कैमरे के अंदर आपको HDR और फ्लैश के ऑप्शन यहाँ देखने को मिलते थे, बट इस बार जो नया कैमरा है उसके अंदर ये सारे ऑप्शन जो है चेंज कर दिए गए। अब आपको ऐसा एक ड्रॉप डाउन मेनू में देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको उस कैमरे के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे नाइट मोड में आपको फोकस रेशियो और टाइमर देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे पोर्ट्रेट के अंदर आपको फेस रिटचिंग, टाइमर, फ्लैश या रेशियो देखने को मिल रहा है। अब कैमरे के अंदर आप चाहें तो कैमरे के अंदर जो है आपको HDR का ऑप्शन, टाइमर, फ्लैश और रेशियो देखने को मिल रहा है। अगर वीडियो पर जाएं तो वीडियो में आपको वीडियो मोड मिलेगा सारे के सारे उसमें, कि आप कौन कौन से मोड पर वीडियो शूट कर सकते हैं। जैसे 30 FPS हो गया, आप 60 FPS पे जाएं तो 60 FPS पे भी शूट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप यहां से चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब सेटिंग्स का पैनल आपको यहां पे देखने को मिलता है। यहां पे आप जाएंगे तो सेटिंग्स का पैनल है, इसके अंदर यह है। कई बार आपको इसके अंदर जो है पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलेगा तो आपने क्या करना है, एडवांस पे जाना है। एडवांस में जाके आपको एक ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलता है जिसके थ्रू जो है आप अपने फ़ोन के अंदर जो है पोर्ट्रेट मोड को इनेबल कर सकते हैं। ये वो ऑप्शन है, देख पा रहे होंगे इनेबल पोर्ट्रेट मोड। ये डिसेबल होगा तो आपको अपने फ़ोन के अंदर देख पाएंगे, कैमरे के अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है और एडवांस की सेटिंग्स पे जाके आपको जो पोर्ट्रेट मोड है उसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद जो है पोर्ट्रेट मोड जो है आपके GCam के अंदर परफेक्टली काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से जो है पोर्ट्रेट मोड को आप एक्टिवेट कर पाएंगे, बट कुछ GCam के अंदर ही ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, कुछ के अंदर नहीं होगा। तो आप जो भी कैमरा यूज़ करें, अगर आपको पोर्ट्रेट मोड ना मिले तो आप एडवांस सेटिंग में जाके उसको इनेबल कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में कुछ और चीज़ें भी दिखा देता हूँ। अगर आपको पिक्चर्स क्लिक करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आपने क्या करना है, आप एडवांस में जाइए। एडवांस में जाके आप इसकी सेचुरेशन को चेंज कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है थोड़े बहुत कलर्स का बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यूज़ पिक्सल AW मोड है वो पिक्सल 4 XL जो है डिफ़ॉल्ट को ही रखें। अगर आप कुछ और आपको काम नहीं करता है तो आप किसी और मोड पे जाके भी इनको सेटअप कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी मिल जाते हैं, जैसे क्विक सेटिंग्स का मिल जाता है, स्टोर वीडियोस एफिशिएंटली, रॉ GPG कंट्रोल, मैक्सिमम ब्राइटनेस, गूगल फोटोज, फोकस ट्रैकिंग, आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इसकी नॉर्मल सेटिंग्स है उसके अंदर भी आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे सेव लोकेशन, कैमरा साउंड्स, कैमरा कोचिंग। ये भी एक नया फीचर जो है इस GCam 7.0 के अंदर आपको लॉन्च किया है। और साथ ही साथ आपको गूगल लेंस सजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप जेस्चर्स यूज़ करना चाहें तो आपको जेस्चर्स भी मिल जाते हैं, जैसे वॉल्यूम की एक्शन से आप शटर को यूज़ कर सकते हैं और डबल टैप एक्शन से आप जूम को भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको जो है इसका जो नाइट साइड मोड है उसके अंदर अब आपको जूम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि 8x तक जूम आपको इसके अंदर करता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलता है। जो भी आपको सेटिंग्स एक्टिवेट करनी है आप जो है उस ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में जाके इन सब चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। तो नीचे जो है एक साइट का लिंक है, उसके अंदर आपको काफ़ी सारे GCam 7.0 मिल जाएंगे। कोई ना कोई कैमरा जो है आपके फ़ोन के अंदर परफेक्टली काम करेगा। हमने पोको F1, Redmi K20, Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 7 Pro में इसको टेस्ट किया है, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये Redmi Note 7 Pro है और मैं अब आपको Redmi Note 5 Pro के अंदर दिखा देता हूँ कि Redmi Note 5 Pro के अंदर भी हमको गूगल कैमरा 7 जो है परफेक्टली काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप GCam 7.0 को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके फ़ोन के अंदर कैमरा टू API इनेबल्ड होना चाहिए। अगर कैमरा टू API इनेबल्ड नहीं होगा तो
तो गूगल कैमरा आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं करेगा। कैमरा टू एपीआई को कैसे आप चेक करेंगे, एक एप्लीकेशन आती है मैनुअल कैमरा कंपैटिबिलिटी टेस्ट प्ले स्टोर में, उसको आप रन करेंगे एक बार फ़ोन के अंदर और उसके बाद ये जो सभी ऑप्शन जो है ग्रीन होने चाहिए। अगर ये ग्रीन होंगे तभी आप जी कैम 7.0 को अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर पाएंगे। अगर आपके फ़ोन के अंदर कैमरा टू एपीआई इनेबल नहीं है तो पहले आप उसको इनेबल कीजिए, आपको फ़ोन का बूट अनलॉक करना पड़ेगा। और मैंने एक काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं कैमरा टू एपीआई इनेबल करने के लिए, आप उनको जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे आप कैमरा टू एपीआई को इनेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जी कैम 7.0 अपने किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करते जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।